हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं आप लोगों के लेके आ गया हूँ एक और नया वीडियो। और आज का ये वीडियो कोई भी टेक फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जब बल्कि एक ये आपका ट्रैवल्स के से रिलेटेड है, जो कि आपका इंडियन एयरवेज के ग्रीवेंस पोर्टल या फिर कई कंप्लेंट सजेशन पोर्टल से रिलेटेड है, जो कि आपका है रेल मदद। और इस ऐप ये आपका ऐप भी अवेलेबल है, और आप इसको डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हैं। दोनों में सेम प्रोसेस है, तो मैं आपको आज वेबसाइट का बताऊंगा, जो मैं लैपी का ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं। तो चलिए यार, टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए यही बात, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वेलकम बैक गाइस। और तो जैसे यहाँ पर अभी मैं देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रेल मदद का खोला हुआ है, और मैं इसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्ले स्टोर का भी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपको ये रेल मदद का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको ये गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है, मे बी शायद ये ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल होगा, यानी आई स्टोर पर भी। तो हम लोग इसको ओपन किए हैं, तो 1 मिनट, लेट्स चेक। तो जैसा कि देखते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर आपका, यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ट्रैक कंप्लेंट, स्टेशन कंप्लेंट, ये आपको पार्सल इंक्वायरी और ट्रैक ऑफ स्टेशन सबका ऑप्शन है। और यहाँ पर 139 जो है वो कस्टमर का नंबर है। तो इस वीडियो में बताऊँगा कि आप कैसे करना है। तो आप लोग जैसे, अगर मैं यहाँ पर क्लिक भी करता हूँ, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक अकाउंट बनाऊंगा, बट आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर गेस्ट यूजर से भी लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, तो मैं अपना मोबाइल नंबर पर डालता हूँ, और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल कुछ भी डाल सकते हैं, जिस में आपका ओटीपी आएगा। और हम लोग को ओटीपी आ चुका है, तो एक रजिस्टर कर दिए, और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको, मैं कैमरा जो हिल जा रहा बार बार, तो यहाँ पर आप अपना कोई भी ट्रेन कंप्लेंट कर सकते हैं। तो करने के लिए आपको दो ऑप्शन है, एक पीएनआर, एक यूटीएस। तो पहले मैं पीएनआर पे बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को अपना पीएनआर नंबर डालना होगा, जिस जो आपने ट्रेन में ट्रेवल किया है। तो मैं चलिए एक तो पीएनआर नंबर डालता हूँ। तो गाइस, मैं बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर पीएनआर पर डाल दिया है, और जैसे ही मैं पीएनआर डालूंगा, यहाँ पर आपका ट्रेन नंबर, बर्थ, क्लास, कोच, सीट सब चीज़ आ जाएगा। आपको एक बार इसको बस कंफर्म करना है, यानी यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे में आते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइप का ऑप्शन आता है कि आपको किस टाइप का कंप्लेंट करना है। तो जो मेरा था, तो मैं उसमें स्टाफ बिहेवियर का कंप्लेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई भी एक टाइप का मैं दिखा रहा हूँ कि क्या करना है। तो मैं अभी स्टाफ बिहेवियर, या फिर चलिए मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट, कहाँ गया, कैटरिंग एंड वेंडिंग सर्विसेज में, क्योंकि जो हम लोग साथ हुआ था वो ओवरचार्ज का केस था, जिसका मैं आप वीडियो अपने दूसरे टाइम पर ही देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और यहाँ पर इसमें हम लोग कर देते हैं अदर्स में, सॉरी अदर्स में, सॉरी, यहाँ पर ओवर चार्जिंग था, तो ओवर चार्जिंग में ये हम लोग यहाँ पर इंसिडेंट डेट डालना है। तो हम लोग का जो इंसिडेंट हुआ था उसका, और फिर टाइमिंग हम लोग डाल देते हैं, जो टाइमिंग है। अगर आप लोग को टाइमिंग याद नहीं है, तो आप उसके अप्रॉक्स का टाइमिंग डाल सकते हैं। तो एक मैंने टाइमिंग डाल दिया है, और फिर यहाँ पर आपको कंप्लेंट में मैं डिस्क्रिप्शन देना है, क्या आप डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, तो मैं डाल देता हूँ। तो फिर यहाँ पर, और ये ध्यान रखिएगा आप लोग, स्पेलिंग सही रखिएगा। आप लोग को यहाँ पर एक फाइल अपलोड करनी होगी उससे, यानी कोई उसे कुछ भी रिलेटेड। तो मैं एक ठो कोई फाइल जो अपलोड करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोग को
सबमिट करके मैं दिखाता हूँ कि क्या है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है मैंने कंप्लेंट को ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, तो मैं फिर से ये सबमिट नहीं कर रहा हूँ। ये कंप्लेंट से मैं उसका प्रोसेस अभी चल रहा है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये प्रोसेस है वो अप्रॉक्सीमेटली आपको तुरंत ही बहुत जल्दी इसका ये रिजोल्यूशन मिल जाता है। आप लोग को जो आप नंबर प्रोवाइड कीजिएगा उस समय पर आप लोग को कॉल आएगा और आप लोग से पूछेगा कि आप क्या कंप्लेंट है, आप उसको क्या डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और फिर आप लोग का उसका जल्दी जल्दी इशू उसको सॉल्व किया जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का स्क्रीन पर मैंने स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है कि उसका क्या नाम डिटेल्स मुझे क्या मैसेज आया था उसके बाद। बट कभी कभी होता है कि जैसे ही आप इसे सबमिट कीजिएगा ना, तो आप लोग का जो है वो थोड़ा वो इस थोड़ा लेट लेगा, लेकिन ले लेगा। कभी कभी होगा कि आपका यहाँ पर स्क्रीन पर यानी आप मोबाइल से या ऐप से कर रहे हैं तो आप लोग को उस टाइम नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा देर बाद एक नोटिफिकेशन आएगा, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि इस पे आपका ये आपका रेफरेंस नंबर दे दिया गया है। और फिर उसके बाद जो है आप उसी रेफरेंस नंबर से अपना यहाँ पर जो कंसर्न है उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं अभी अपना जो है रेफरेंस नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर उसको ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप उसके बाद फिर आपके यहाँ पर और भी बहुत से ऑप्शन, जैसे कि आप स्टेशन से रिलेटेड उसको कंप्लेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्लीननेस, वाटर एबिलिटी, ये सब स्टेशन से रिलेटेड है। और देखिए मैं वो दिखाता हूँ रिफंड ऑफ टिकट्स, और हम लोग इसमें कर लेते हैं ऑनलाइन टिकट, और फिर यहाँ पर डिटेल भर के हम लोग सभी सेंड कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है और आप ये तुरंत अवेलेबल भी हो जाता है, इसका रिजोल्यूशन आप लोग का आप लोग को बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आप इसका इंडियन रेलवे की तरफ से, तो आप लोग इसका बहुत ज़्यादा आराम इजली फ़ायदा उठाइए। और कोई भी इशू है तो तुरंत कंप्लेन कीजिए कि आप इंडियन रेलवे रेलवे का आप लोग को बहुत मदद करने के रेडी है। और आई होप आप लोग को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आप लोग को यूजफुल लगी हो, लाइक करी हो तो कमेंट जरूर से कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अभी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।